अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन की शिविर में खुश आमदी। ये वीडियो कवच वेलफेयर ट्रस्ट और यूसुफ अली कैम ट्रस्ट के तआवुन से पेश की जा रही है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ माइल्ड स्टील प्लेट। आज हम सीखेंगे माइल्ड स्टील प्लेट का वेट फाइंड करना। आपको एक डायग्राम भी नजर आ रही होगी, ये हमारे पास है एमएस प्लेट। सबसे पहले हम बात करते हैं वेट फाइंड करने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए होता है। सबसे पहले हमें चाहिए होता है जिस मैटर की प्लेट का हम वेट फाइंड कर रहे हैं उसका वॉल्यूम और डेंसिटी। डेंसिटी कौन सी चाहिए होगी? जिस मेटल का हम वेट फाइंड कर रहे हैं, अगर हम एमएस का कर रहे हैं तो हमें माइल्ड स्टील की डेंसिटी चाहिए। और वॉल्यूम कौन सा चाहिए? जिस पीस का जितना हम वेट फाइंड करना चाहते हैं उसका वॉल्यूम मालूम करेंगे। यहां पे भी आपको मुख्तलिफ मेटल्स की जो है डेंसिटी लिख दी गई है। अब हम बात करते हैं एमएस की डेंसिटी कितनी है, 7850 केजी पर मीटर क्यूब के। ये तो हमें पता चल गया कि डेंसिटी तो हो गई। अब सेकंड नंबर पे आप वॉल्यूम, वॉल्यूम किस तरह फाइंड करते हैं? वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ जरब विड्थ जरब थिकनेस। अब आपको डायग्राम में नजर आ रहा है इसकी लेंथ है प्लेट की 1 मीटर, इसकी विड्थ कितनी है 1 मीटर, और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इसकी थिकनेस, थिकनेस ही 10 मिलीमीटर। अब हमने इसे कन्वर्ट किया मीटर में, 10/1000, जवाब आ गया 0.01 मीटर के। क्या लिखेंगे यहां पे? 0.01। जब इसको कैलकुलेट करेंगे मेरे पास जवाब आएगा 0.01 मीटर क्यूब के। नेक्स्ट है इसका वेट का फार्मूला। क्या करेंगे हम? वॉल्यूम जरब डेंसिटी। वॉल्यूम कितना था? 0.01, और डेंसिटी कितनी है? 7850 केजी पर मीटर क्यूब। किसकी? माइल्ड स्टील की, 7850। जब इसको कैलकुलेट करेंगे जवाब आ जाएगा 78.5 केजी। ये हो गया इसका जवाब। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस मेटल का हम वेट फाइंड कर रहे हैं उसकी डेंसिटी उसकी यूज करेंगे सेकंड नंबर पर, और यूनिट्स का ख्याल रखेंगे कि अगर मीटर में है तो उसके लिए 7850 होगा। डेंसिटी अगर हम करेंगे इसे सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम होगा तो उसके लिए हम 7.85 लगाएंगे, और इसका जो जवाब आएगा फिर वो आएगा ग्राम में। ये बात याद रखिएगा कि जब आप सेंटीमीटर में डेंसिटी यूज करेंगे वो होगी 7.85 ग्राम। यहां पे आपको नजर आ रहा होगा 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो हम यहां पे यूज की है वो है मीटर। सारी जो डायमेंशन है तीनों, लेंथ विड्थ और थिकनेस, वो तीनों बॉन्ड किस में थी? मीटर्स में, इसलिए हमने लगाया 7850। आपको मेमस प्लेट का वेट फाइंड करने का तरीका का फार्मूला और डेंसिटी के बारे में अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबा लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।